हरियाली तीज पर विवाहित महिलाएं भूलकर भी ने करें ये काम, जाने व्रत के नियम। नमस्कार दर्शक बंधुओं, आपके अपने चैनल सतवीर सिंह ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं हरियाली तीज व्रत के नियम और इस दिन महिलाओं को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व सभी सुहागन महिलाएं सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। हरियाली तीज का पर्व सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को दिन मनाया जाता है। इस साल हरियाली तीज 7 अगस्त को मनाई जाएगी। हरियाली तीज के दिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, हरे रंग के कपड़े पहनती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होती है और महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, लेकिन इस व्रत में कुछ बातों का खास ख्याल भी रखना जरूरी है। इस दिन महिलाओं को भूलकर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं हरियाली तीज पर महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को निराहार व्रत करना चाहिए, यानी इस दिन महिलाओं को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन यदि कोई महिला गर्भवती है या बीमार है तो उन्हें इसमें छूट होती है, वह फल ग्रहण कर सकती हैं। महिलाओं को हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और पूजा अनुष्ठान से पहले अपनी पूजा घर की अच्छी से सफाई करनी चाहिए। साथ ही इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए और उसमें भी हरी चीज़ों का अधिक प्रयोग करना चाहिए, जैसे हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र आदि। महिलाओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप काले, नीले और सफ़ेद रंग के वस्त्र इस दिन ना पहने। हरियाली तीज का व्रत पारण चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही किया जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। साथ ही इस दिन दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल इस दिन माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। हरियाली तीज का व्रत जो भी महिलाएं कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उन्हें भी अपने पति के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या आदि भी नहीं रखें और इस दिन पूजा पाठ करते समय अपने मन को शांत और प्रसन्न रखें। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आपकी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।